के गांव ऊंचपुर में राजकीय विद्यालय की ओर से जाने वाली सड़क किनारे पर प्रशासन का बुलडोजर चला। उपखंड अधिकारी राकेश मीणा, तहसीलदार जगदीश प्रसाद बैरवा के दिशा निर्देशन में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू हुई। गत 5 सालों से सड़क पर पानी भरा हुआ था। विद्यालय में जाने वाले विद्यार्थियों, शिक्षकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। आज ग्राम पंचायत महेंद्र में रेलवे गांव मूसपुर में अतिक्रमण हटाया जा रहा है प्रशासन की सहायता से, और बच्चों को स्कूल में जाने के लिए परेशानी थी, नाली रुकी पड़ी हुई थी 2-3 साल से, तो बच्चे स्कूल जाने में बहुत परेशान थे, तो इस अतिक्रमण को हटाया जा रहा है प्रशासन और गांव के सहयोग से। और अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता बानसूर से सुगन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुगन, जिस तरह से आज प्रशासन ने बुलडोजर चलाया है, बल्कि ये बुलडोजर बहुत पहले चलाया जाना चाहिए था, आखिर किस तरह से अतिक्रमण हुआ और इससे पहले क्या कभी शिकायत नहीं की गई थी? इतनी देरी क्यों? सर, ये परमार बराबर शिकायत कर रहे हैं, स्कूल वाले भी कर रहे हैं, गाँव वाले भी कर रहे हैं, उसके बावजूद भी स्थानीय जो ग्राम पंचायत है, प्रशासन है जी, वो इसलिए दबाव में था, कोई राजनीतिक कोई प्रेशर था जी, और उसके उसके चलते और वो अतिक्रमण नहीं हट पाया और सड़क के ऊपर ही गांव का पानी जाता रहा। और यहाँ के लोगों ने काफी प्रयास किया, और जो प्रधान अध्यापक हैं हवा सिंह चौधरी जी, उन्होंने भी प्रशासन के आला अधिकारी हमारे SDM महोदय को भी अवगत कराया, श्रीमान सरपंचों को भी अवगत करवाया, श्रीमान मतलब ग्राम विकास अधिकारियों को अवगत करवाया, लेकिन उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद में ग्रामीण हमारे पास में आए कि भाई कोई जन टीवी का यहाँ पर कोई कार्यालय है, तो वहां पर जब आए उसके बाद में हमने उनकी इनकी समस्या सुनी, हम वहां पर मौके पर पहुंचे और उसके बाद में वहां का वीडियो बनाया और ग्रामीणों से बातचीत की, प्रधानाध्यापक से बातचीत की, उसके बाद हमने मतलब प्रशासन के आला अधिकारियों से संपर्क करने का प्रयास किया, फिर भी आला अधिकारी जो है प्रशासन गांव के संग कैंप में बिजी होने के कारण और वो संपर्क में नहीं आ पाए, बात नहीं हो पाई, लेकिन क्या है कि फिर भी मतलब मैं प्रशासन का मतलब शुक्र गुजार हूँ कि उन्होंने हमारी खबर के ऊपर इतना एक्शन लिया जी, बिल्कुल, और उसके बाद में मतलब की वहाँ का अतिक्रमण हटाना शुरू हो गया। इसके लिए मैं प्रशासन का भी शुक्रिया अदा करता हूँ और राज्य सरकार का भी शुक्रिया अदा करता हूँ जी, बिल्कुल। सुगन, वाकई जन टीवी की खबर का असर हुआ है और अतिक्रमण पर प्रशासन का बुलडोजर चला है। बहुत बहुत शुक्रिया सुगन आपका तमाम जानकारी के लिए।